नमस्कार, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले की सगौनी वन परिक्षेत्र के कुलुआ वन बीट के अंतर्गत आने वाली अवैध खदानों पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जेसीबी मशीन चलाकर यह खदानें बंद करने की कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि सगौनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कुलुआ बीट में इस तरह का मामला लगातार सामने आ रहा था, जहां पर अवैध खदानों के माध्यम से पत्थर निकाले जाने की जानकारी सामने आ रही थी। तो वहीं वन विभाग के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एशियन न्यूज़ के लिए भगवत सिंह लोधी की रिपोर्ट। अरे नंबर वो कटाने नहीं डाली है जो आज ही की है, तुरंत की, जो हमें देखकर सब के सब भागे यहाँ से काम करने वाले। अभी ये दूसरी खदान पर है, अभी इसके बाद एक दो खदानों की और सूचना हम पर भी कर रहे हैं। सभी खदानें वन विभाग में संचालित हुए हैं? हाँ, कुछ वन विभाग में है, अब पूरी तरह से अंदर है, और कुछ सीमा पर संचालित हो रही थी जिनको भी बंद किया गया। तो क्या है, आप बीट गार्ड हैं, डी साहब हैं, इनको कोई जानकारी नहीं थी? तो बहुत दिन से चल रही हैं, बहुत बड़ी खदान हो चुकी हैं। शायद हो सकता है इनको जानकारी ना हो, अब उसकी जांच। हमारे चैनल को दरअसल यह छात्राएं शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की छात्राएं हैं, और उनको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार दी गई सप्लीमेंटरी की परीक्षा में फेल के तेल से भले ऐसे में और लोगों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आमने सामने की भिड़ंत में लाखों रुपए कीमत के खाने का तेल सड़कों पर बह गया। गड्ढा की जानकारी लगते ही मौके पर ASI पूर्ण आनंद मिश्रा, आरक्षक संदीप साहू, पायलट फरीद कुरैशी मौके पर पहुंचे। वहीं घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं यह रफ्तार का कहर बताया जा रहा है। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। जोरदार हादसे में जहां